इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। मामला सीतापुर जनपद के कृषि विभाग का है, जहां पर कृषि विभाग में तैनात कर्मचारी एमपीएस उर्फ महिपाल सिंह, जो कि 22 सालों से सीतापुर में कृषि विभाग में तैनात कृषि व्यापारियों का खून चूसकर करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाकर सीतापुर में जमा हुआ है, बल्कि सरकार की मंशा के अनुसार 3 साल के बाद कर्मचारियों का पटल व जिला परिवर्तन कर दिया जाता है। भ्रष्ट कर्मचारी की समस्त सीमाएं पार कर देने के बाद इस भ्रष्ट कर्मचारी के विरोध में खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री से शिकायत कर विशाल धरना प्रदर्शन के बाद शासन के पत्रांक संख्या 859 से 16/6/2022 भ्रष्टाचार में लिप्त महिपाल सिंह को सीतापुर से तत्कालीन प्रभाव से उप कृषि निदेशक गाजीपुर प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित कराया गया, लेकिन फिर से शासन को चकमा देकर और रुपयों के बल पर उसने अपना ट्रांसफर फिर से वापस 1 साल में गाजीपुर से सीतापुर करा लिया। अब देखना यह है कि शासन अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अंधा बना रहेगा या भ्रष्ट कर्मचारी वापस गाजीपुर भेजेगा। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।